आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के फरवरी मंथ के मैगजीन से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं इसके पहले दोस्तों हम लोग जनवरी मंथ के मैगजीन को कंप्लीट कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है वहाँ पर सभी टॉपिक आपको क्रम से देखने को मिल जाएगा तो चलिए हम लोग इस मैगजीन को शुरू करते हैं और इस मैगजीन से आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के वन लाइनर करेंट अफ़ेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें लगभग सौ वन लाइनर करेंट अफेयर्स दिए गए हैं तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं इसके सीधे प्रश्नों पर चलते हैं चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में स्थित वह आयुर्वेद संस्थान जिसे एन की आधिकारिक मान्यता मिली है तो यह केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को मिली है एन की बात किया जाए तो एन राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यान्वयन बोर्ड है जिसकी आधिकारिक मान्यता केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को मिली है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है ठीक है अगला देखते हैं 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है तो यह लखनऊ में दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की मंजूरी लखनऊ में दी है 18 से 19 दिसंबर 2022 को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के तिरसठ सत का आयोजन कहाँ किया गया तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में किया गया है 18 दिसंबर 2022 को लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के तिरसठवें सत्र का उद्घाटन किया गया तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया तो दयाशंकर सिंह के द्वारा दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं 18 दिसंबर 2022 बाईस को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एमओयू साइन किसके साथ किया है तो यह सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टीन यूनिवर्सिटी के साथ किया है 16 से 18 दिसंबर 2022 को आल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का दो दिवसीय आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया तो बी एच यू वाराणसी में बी एच यू वाराणसी में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया हाल ही में वाराणसी में एक महीने तक चलने वाला काशी तमिल संगमम का समापन कब किया गया तो 16 दिसंबर 2022 को इसका समापन किया गया मानव दिवस सृजन में और सौ दिवसी का सौ दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है तो यह उत्तर प्रदेश है ध्यान दीजिएगा दोस्तों मानव दिवस सृजन में और सौ दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन कहाँ पे किया तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 9 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर काम करने का फैसला लिया है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम करने का फैसला लिया है 8 दिसंबर 2022 को घोषित मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के परिणाम में विजयी प्रत्याशी कौन थी तो डिंपल यादव थी 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022 23 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है तो यह 33769 करोड़ रुपए का रेड टिप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन जिनका 4 दिसंबर 2022 को 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो यह इरसाद मिर्जा का 1 दिसंबर 2022 को राज्य में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर शुरू की गई योजना है तो यह वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना है ध्यान दीजिएगा दोस्तों राज्य में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की गई है दिसंबर 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है तो यह उदय प्रताप कॉलेज बना है जो वाराणसी में स्थित है चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है तो इसको कहाँ पे बनाने का निर्णय लिया गया है तो लखनऊ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लखनऊ में लिया गया है दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालय बोर्ड विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया पोर्टल है तो यह पहचान पोर्टल है दिसंबर 2022 में आगरा के पार क्षेत्र की पानी की समस्या खत्म करने के लिए हर घर जल योजना के तहत धनराशि स्वीकृत की गई है तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तो छः सौ चौबीस करोड़ रुपए। नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई है तो यह एम एन एन आई टी प्रयागराज में ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत की पहली मानव रहित कार एम एन एन आई टी प्रयागराज में बनाई गई है नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई तो यह आगरा गाजियाबाद और प्रयागराज में लागू की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में इकतालीसवें रामायण मेला का शुभारंभ कब किया तो 27 नवंबर 2022 को हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित संस्थान जिसने साइनोबैक्टीरिया के पहले जींस की खोज की है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है हाल ही में किस राज्य ने जेनरिक आधार के मेडिकल स्टोर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खोले जाने का निर्णय लिया है तो यह उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष दो हज़ार में उत्तर प्रदेश ने कितने लाख परिवारों को रोज़गार दिया है तो यह इकसठ दशमलव पाँच तीन लाख परिवारों को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुरातात्विक निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कितने धरोहर स्थलों का चयन किया गया है तो कुल दस धरोहर स्थलों का चयन इसमें किया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है तो इकतीसवां स्थान है इसका हाल ही में उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जहाँ चार मंजिला ओ डी ओ पी दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट माल निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं तो यह वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित स्कूलों में मिड डे मील के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाने का आदेश जारी किया गया है तो यह तिथि भोजन कार्यक्रम ध्यान दीजिएगा दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित स्कूलों में मिड डे मील के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाने का आदेश जारी किया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह छात्रा जिसने एनडीए की परीक्षा में एक रैंक के साथ फ्लाइंग विंग के फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो यह सानिया मिर्जा ने सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की जिन्होंने एन की परीक्षा में एक रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरे स्थान पर हैं ठीक है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तो यह लखनऊ में किया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिषद के निर्माण की घोषणा की गई है तो दस जिलों में चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 दिसंबर 2022 को आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में चैंपियन बना है तो यह अर्जेंटीना बना है ध्यान दीजिएगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना चैंपियन बना है 17 दिसंबर 2022 को लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता तो यह सरगम कौशल ने सरगम कौशल जो एक भारतीय हैं इन्होंने मिसेज वर्ल्ड दो का खिताब जीता है सत्रह दिसंबर 2022 को जीएसटी काउंसिल की अड़तलवी बैठक आयोजित की गई तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इसकी बैठक आयोजित की गई है पंद्रह से सत्रह दिसंबर 2022 तक सातवां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया पंद्रह दिसंबर दो को भारत ने अग्नि-5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया तो यह ओडिशा तट के ए अब्दुल कलाम द्वीप से 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित की गई तो नई दिल्ली में 13 से 17 तेरह से सोलह दिसंबर 2022 तक भारत की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई तो यह मुंबई में आयोजित की गई है 12 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली है तो भूपेंद्र ग्यारह दिसंबर 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के पंद्रहवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली तो यह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई तो पीटी ऊषा चुनी गई हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पी टी ऊषा चुनी गई हैं सात से उन्नीस दिसंबर दो हजार बाईस तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन दैट इज कॉप फिफ्टीन आयोजित की गई तो यह मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित की गई है ध्यान दीजिएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन दैट इज कॉप फिफ्टीन का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है सात दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस से दो का पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलोडिमिर जेलेंस्की और द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन को चुने जाने की घोषणा की है पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है एक दिसंबर 2022 को भारत ने जी की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की तो यह इंडोनेशिया से तीस नवंबर 2022 को वह समाचार चैनल जिसके वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो यह एन के हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो सर जेरेमी फर्रार को किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको पारित किया है तो यह न्यूजीलैंड ने हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है तो यह सात क्षेत्रीय का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है हाल ही में किसे न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतिम सीईओ नियुक्त किया गया तो निहार मालवी को हाल ही में किस राज्य में एक सीट फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया तो यह केरल को हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो गोवा के मोपा में किया है हाल ही में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में किस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है तो यह मेघना अहलावत को मेघना अहलावत को टेबल टेनिस में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट चुना गया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला साइक्लोन मंडाओस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ध्यान दीजिएगा बंगाल की खाड़ी में उठने वाला साइक्लोन कौन सा था तो मंडाउस था जिसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने को मंजूरी दी है तो यह पाँच न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी दी है हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेटेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेटेंट गेटवे बन गया है तो यह रपे बना है। हाल ही में OIGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अरुण कुमार सिंह को हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्टैंडर्ड पासपोर्ट सूचक में भारत की रैंक क्या है तो सतासवीं रैंक है ध्यान दीजिएगा दोस्तों आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक 27वीं है वहीं पहले स्थान पे जापान है और दूसरे स्थान पे सिंगापुर है इस सूचकांक में पहले स्थान पे जापान और दूसरे पे सिंगापुर है हाल ही में भारत की टी20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए बी ट्वेंटी इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया तो यह एन चंद्रशेखरन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया तो यह प्रोफेसर वाई के अलग का हाल ही में इंडियन सीनियर वीमेन क्रिकेट, बै, तो कान, तो वी क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया तो ऋषिकेश कानितकर को नियुक्त किया गया है तो ध्यान दीजिएगा इंडियन सीनियर वीमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच ऋषिकेश कानेतकर को नियुक्त किया गया है हाल ही में भारत में किस शहर में सिंगल कालम पर हाईवे फ्लो फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो यह नागपुर में ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत के नागपुर शहर में सिंगल कालम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस पक्षी को चुना गया तो कापलिन मोड को चुना गया है हाल ही में नीति आयोग किस इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल की है तो यह वायनाड केरल ने केरल के वायनाड ने नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स डेल्टा रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल किया है हाल ही में भारत की अध्यक्षता में जी की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई तो उदयपुर में हाल ही में आई द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है अड़तालीसवीं रैंक है भारत की इसमें अड़तालीसवीं रैंक है फिल्म मेकर एस एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म हाल ही में फिल्म आर 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 के लिए बेस्ट डायरेक्ट का अवार्ड किसके द्वारा द्वारा गया गया तो यह या न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के द्वारा दिया गया। हाल ही में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया तो यह हंसराज गंगाराम अहिर ने हाल ही में पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया तो एम परमा को एम परमा को पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में भारत के कितने एयरपोर्ट्स पर डीजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया तो तीन एयरपोर्ट पर कौन से तो दिल्ली बेंगलुरु और वाराणसी इन तीनों एयरपोर्टों पर डी यात्रा सेवा लॉन्च किया गया है हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ इस पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो श्री श्री रविशंकर को ध्यान दीजिएगा दोस्तों अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है तो दोस्तों हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के वन लाइनर करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए नमस्कार दोस्तों